हेलो फ्रेंड्स, आज ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन कवर हम लेके आए हैं हार डिज़ाइन का। पीछे भी इसमें बहुत अच्छी तरह से चेन है और ये बहुत ही परफेक्ट है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये सामान चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाते हैं कि जो हमें साटन का क्लॉथ लिया है वो कितने इंच बाई कितने इंच का है। तो हम इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंटरलॉक कर रखा है, आपको इंटरलॉक बाद में करना होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ 29 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 27 इंच होगी। ये देखिए, ये 27 इंच है, ये हमने पहले से ही इंटरलॉक कराया हुआ है। अब इसकी रॉन्ग साइड अपनी तरफ रखते हुए इसे इस तरह से बिछा लेते हैं और फिर सीम अलाउंस के लिए 1.5 इंच हर तरफ निशान लगा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ये निशान लगाते हैं और उसके बाद सभी निशान को एक साथ मिलाते हुए सीम अलाउंस की लाइन खींच लेते हैं। ये हमने 1.5 इंच पे सीम अलाउंस की निशान बनाई है इस तरह से। चारों ओर हमें इसी तरह से सीम अलाउंस की निशान बनानी है। ये पूरी जगह हमें ऐसे ही देनी है। ये देखिए, हमने हर जगह छोटी छोटी दूरी लेकर फिर हम निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच रहे हैं। चारों ओर ऐसे ही करेंगे। सीम अलाउंस के निशान लगा लेने के बाद हम इंची टेप की मदद से 1-1 इंच पर, ये देखिए हमने थोड़ी इसी दूरी के लिए 1-1 इंच पे यूँ मार्क लगाए हैं। पूरा एक बार में नहीं लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे किसी फ्लैट सरफेस पे बिछा के, यानी चाहे मेज पे चाहे ज़मीन पे, टेप की मदद से स्टेबल करके तब निशान लगाएं। बट अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच के मार्क करिए और जैसे हम छोटी सी मेज पर निशान लगा के लाइनें खींच रहे हैं वैसे आप आराम से खींच सकते हैं। इस तरह से हमने तीन जगह पे निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच पे। अब इस तरह से हमें लाइन खींचनी है कि 3 मार्क्स वो सभी लाइन में आए। ये देखिए, अगर कहीं ऊंचा नीचा होता है तो हम कपड़े को एडजस्ट उस हिसाब से कर लेते हैं। जितना सही से लाइनें खींची जाएंगी बिना टेढ़ी बेढ़ी हुई, उतना ही परफेक्ट हमारा स्मोकिंग का बाद में आउटकम आएगा। तो हमें इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाकर लाइंस खींचनी है। अभी हम ये हॉरिजेंटल लाइंस खींच रहे हैं, इसके बाद ऐसे ही वर्टिकल लाइंस भी खींच लेंगे 1-1 इंच के ही, तो पूरा ग्रिड हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही इस तरफ से भी करेंगे। हमने ये ग्रिड तैयार कर लिया है 1-1 इंच का दोनों तरफ से। अब देखिए, फर्स्ट ग्रिड पे हमने इस तरह से दो तिरछी लाइन खींची और एक ग्रिड छोड़कर उसके सामने दो तिरछी लाइन खींची, फिर एक ग्रिड छोड़कर दो तिरछी लाइन, फिर उसके सामने भी इस तरह से हर एक एक ग्रिड के गैप पे इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है और उसके बाद फिर एक एक ग्रिड के गैप पे इस तरह से तिरछी लाइन। पूरे में हमें इसी तरह ये करना है, एक रो में अपवर्ड डायरेक्शन में और एक रो में डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायगोनल्स खींचने हैं और हर के बीच में 1-1 स्क्वायर का गैप रहेगा। ऐसे ही पूरे में खींच लेंगे हम। तो हमने इस तरह से पूरे में तैयार कर लिया है। अब हम सुई धागा सेम कलर का लेंगे और यहाँ पे हम फोर पॉइंट स्मोकिंग के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में से हमने धागा निकाला, फिर सेकेंड पॉइंट इस तरह जो डायगोनल का है वो निकाला, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड उसके जस्ट बगल थर्ड और फिर फोर्थ। इस तरह से ये फोर पॉइंट स्मोकिंग हो गई। आपने देखा, पहले हमने बॉटम से शुरू किया, जिगजैग मोशन में हमें इस तरह से किया और फिर हमने धागे को पुल कर लिया और फिर टाइटली इसे खींचते हुए यहाँ पर 2-3 बार गांठ लगा ली। सब ये याद रहे कि कोई कपड़ा बीच में दबे नहीं। इसी तरह से हमें फोर पॉइंट स्मोकिंग करते हुए पूरे में स्मोकिंग करनी है। इसीलिए हमने
जो ये ग्रिड बनाया है वो दो दो स्लांटिंग लाइन का ग्रुप बनाया है। ये देखिए हमने नॉट लगा ली, अब हम इसे कट कर देंगे और अगले पॉइंट पे जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे नॉट लगा के। यहाँ पे हम गए, ये देखिए इस पॉइंट पे गए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट डायगोनल के ऊपर और थर्ड पॉइंट फिर से फर्स्ट के जस्ट अबव और फोर्थ फिर डायगोनल ऊपर। इस तरह से फोर पॉइंट बेंडिंग की, फोर पॉइंट स्मोकिंग करी और उसके बाद इसे पुल किया थ्रेड को अपने और उसके बाद कस के यहाँ पे नॉट्स लगा दी जिससे ये खुल ना पाए। पूरे में हमें ऐसे ही करना है, ऐसे हमने आपको दो बना के दिखाए। इसके बाद अभी तो ये हम वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, हम हॉरिजेंटली भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए दो दिखा दिया हमने, एक नॉट लगाई, अगले पॉइंट पे गए, ये भी हमारा वर्टिकल पॉइंट है, फोर पॉइंट स्मोकिंग करी कस के हमने इसमें भी नॉट लगा ली। आसान है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि चारों को कैसे एक साथ बांधना है। इस तरह से धागा कट कर देंगे। अब हम ये देखिए आगे से ये कुछ इस तरह से एन एन जैसा बन के आता है स्ट्रक्चर। इसमें हमें हार्ट शेप मिलता है बाद में स्मोकिंग के बाद, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर इसे रेड कलर में बनाएं तो और भी खूबसूरत दिखेगा, वैलेंटाइन वगैरह में भी आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब हम ये गए हैं नीचे की तरफ और वहाँ भी फोर पॉइंट स्मोकिंग करी। बस डायगोनल का जो डायरेक्शन है वो यहाँ चेंज है तो हमें उसी हिसाब से बनाना है। सबसे पहले नीचे का लेना है, फिर डायगोनल ऊपर जाना है, फिर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर थर्ड पॉइंट पे जाना है और फिर डायगोनल ऊपर जाना है। इस तरह से करते हुए पूरे में करेंगे हम स्मोकिंग। तो चाहे जैसा हो बस डायगोनल का डायरेक्शन देख के वैसे ही बनाना है। हमें एक रो में एट इस तरह के बनाने और 13 इधर से बनाने हैं। इसी तरह से पूरे पीस में फोर पॉइंट स्मोकिंग कर दी है। अब जहाँ जहाँ पे आप देख रहे होंगे हम इस तरह से थोड़े से पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ कर रहे हैं। जहाँ पे स्मोकिंग है वो हमें अंदर की तरफ इस तरह से वी स्ट्रक्चर लाना है, तो वो हम इस तरह से कर रहे हैं। ये रॉन्ग साइड है, अब हम आपको फ्रंट सारे हमने वी आकार ऊपर की तरफ कर लिए तो और ऊपर से लुक इसका ऐसा आया। ये देखिए कितना परफेक्ट सा हार्ट शेप्स आए हैं। अब हम इसके साइड्स को जिस हिसाब से जहाँ जो टर्न हो रहे हैं फैब्रिक उसको उसी हिसाब से टर्न करते हुए पिन लगा देंगे जिससे सिलते में दिक्कत ना आए। चारों तरफ से हमें ऐसे ही करना है, पिन लगाना है जिससे कि डिज़ाइन भी परफेक्ट बना रहे और हमारा ये सिलाई भी हम आसानी से कर सके। तो देखिए जहाँ जैसा जो टर्न है हम वैसे ही रखते हुए कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं और इसी तरह से पूरे में पिन लगा रहे हैं। एक साइड ऐसे करेंगे, ये आया लास्ट हमने हो गया। अब घुमा के दूसरी तरफ से ये देखिए, देख लेते हैं कि कौन सी पीस कहाँ को घूम रही है। ये हुआ, अब इसको देखते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें पिन लगाया, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। चारों कॉर्नर्स पे यानी चारों जो फेसेस हैं हमारे इस पीस के उसको इसी तरह से पिन की मदद से स्टेबलाइज करके फिर हम पीछे का जो चेन वाला पीस है वो रेडी करेंगे। तो हमने इस तरह से पूरे में पिन लगाना है, बहुत आराम से ये प्रोसेस करना चाहिए क्योंकि फिनिशिंग हमारी इस पर थोड़ी बहुत डिपेंड करती है कि कैसे हैं हमारे ये फेसेस चारों तरफ। पूरे में ऐसे ही करना है। तो हमने चारों ओर पिन लगा ली है आराम से। अब हम इस पर बैक पीस बनाएंगे, तो बैक पीस के लिए टू पीसेस हमें चाहिए यहाँ
और एक चेन चाहिए। चेन थोड़ी बड़ी साइज़ की है जिसे हम कट कर लेंगे। और ये जो दो फैब्रिक पीसेस हैं ये हमारी, इसकी चौड़ाई हमें 17 इंच रखनी है और लंबाई हम आपको दिखाते हैं। ये 17 से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अभी हमने इसमें चारों ओर इंटरलॉक नहीं किया है, तो वो करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये हमारी 6x17 इंच की रखनी है और ये हमारी लगभग 15x17 इंच की है। तो अब सबसे पहले छोटे पीस को इस तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और चेन इसके ऊपर उल्टी रॉन्ग साइड से रखते हैं, यानी सीधे पीस को हमने ऐसे रॉन्ग साइड पे टर्न किया 1 इंच और उसके बाद उस पर रॉन्ग साइड चेन रखी। देखिए रनर अंदर की तरफ है और इधर ऊपर से सिलाई कर दी जिससे कि फ्लैप जैसा बन जाएगा हमारे कवर पे। तो अब हम यहाँ पर इसे ऊपर वाली तरफ से सिलाई कर देंगे, चेन बाद में हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे, यहाँ पे हमें ऊपर से सिलना है। तो ये हमने सिल लिया है, देखिए ये हमारा फ्लैप इस तरह से चेन के ऊपर आ चुका है। अब जो दूसरा बड़ा वाला पीस है वो लेंगे और उसको भी फ्लैप हटाते हुए इस पर रॉन्ग साइड से रखते हुए यूँ दूसरी साइड जो चेन की है उस पर रॉन्ग साइड फैब्रिक का रखा और उसके बाद सीधी सिलाई दे देंगे। बाद में इसको चारों ओर से इंटरलॉक भी कर लिया। ये देखिए चेन इस पर परफेक्टली आ गई है। अब जो चेन का एक्स्ट्रा पीसेस है उसे हम साइड से कट कर देंगे। अब चेन तो इसमें बीच में आ ही चुकी है, इसके ऊपर हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड और उसके बाद चारों ओर से हम सिल लेंगे। चारों ओर से बिना कोई स्पेस छोड़े ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हुए सिलेंगे, परफेक्ट हो जाए। तो हमने चारों साइड से सिल लिया है। अब चेन खोल कर हम इसे टर्न करेंगे बाहर की तरफ, फ्लिप कर देंगे अपने फैब्रिक पीस को और उसके बाद कॉर्नर्स को अच्छे से उंगली की मदद से बाहर की तरफ निकालेंगे और ये हमारा कुशन रेडी है। इसका आपको भी लुक दिखाते हैं, पहले बिना भरा हुआ दिखाएंगे और फिर हम इसमें कवर चढ़ा के भी दिखाएंगे। ये देखिए ये इसका लुक आया है, हार्ड्स किस तरह के दिख रहे हैं इसमें। अब हम इसे कुशन में लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कुशन का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप आया है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है रेड रंग का उसे दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। थैंक यू।